हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ट्रस्ट फिनटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 98 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 25 से 26 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है, कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है, और जिसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और किन्हें प्रोवाइड करवाती है, यहाँ पे नॉर्मली जो बैंकिंग कंपनीज होती है, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, जो मेनली यहाँ पे प्राइवेट बैंक वगैरह हो गए, या फिर जो PSU बैंक हो गए, यानी कि जो बैंकिंग की जो भी कंपनीज होती है, तो उन्हें ये कंपनी बैंकिंग सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसमें अगर हम बैंकिंग से रिगार्डिंग अगर हम कुछ सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कोर बैंकिंग हो गया, लोन ओरिजिनेशन हो गया, फिर GST से रिगार्डिंग जो कंप्लायंस होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बिलिंग वगैरह हो गई वो हमें यहाँ पे नजर आता है, फिर ATM का रिकंसिलेशन हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, एजेंसी बैंकिंग हुई, और मोबाइल बैंकिंग से रिगार्डिंग जो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये सारे एरियाज की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो बैंक यहाँ पे जो मेन हमें जो इनका जो मेन बिजनेस आता है वो हमें बैंक से आता हुआ नजर आता है। तो डेफिनेटली जब आपको इतने बड़े लोगों से जब बिजनेस आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका जो B2B बिजनेस मॉडल के अंदर दिक्कत ये होती है कि आपको बियॉन्ड पॉइंट आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कंपनी बैंकिंग सॉफ्टवेयर अगर प्रोवाइड करवा रही है तो वहाँ पे मार्केट में और भी बहुत IT कंपनीज जब वो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती होंगी, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर ये थोड़ा सा भी अगर बोलेंगे कि हम 10% ज़्यादा चार्ज करेंगे सॉफ्टवेयर का, तो वहाँ पे डेफिनेटली बैंक वाले ये बोलेंगे कि हम कहीं और से ले लेंगे, तो ये काफ़ी दिक्कत हमें यहाँ पे रहती हुई नजर आती है। हाँ, अंटिल एंड अनलेस यहाँ पे जो कंपनी के सॉफ्टवेयर में अगर काफ़ी ज़्यादा यूनिक मॉडल यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हो, यानी कि सॉफ्टवेयर इजीली हैक नहीं हो सकता, या फिर ऐसी चीज़ अगर होती है तो वहाँ पे डेफिनेटली बैंक प्रीमियम देने के लिए रेडी होता है। लेकिन अगर आपके सॉफ्टवेयर अगर एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है, अगर वहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट कुछ वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कोई वहाँ पे प्रीमियम देने को रेडी नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को यहाँ पे IPO से पैसा मिलेगा उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी एडिशनल एक डेवलपमेंट फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी बनाने वाली है, तो वो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे ये IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी को अपना जो IT से रिगार्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कंपनी को अपग्रेड करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी पैसे खर्च करेगी। और बाकी अगर हम देखेंगे जो उनके एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट वगैरह है, तो उनको मेंटेन वगैरह करना और उनको अपग्रेड वगैरह करने से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को जो एक्सपेंसिव लगेंगे तो वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। और बाकी कंपनी थोड़ा मार्केटिंग वगैरह करेगी, यानी कि यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह या फिर जो सेल्स पर्सन वगैरह है वो यहाँ पे जाएंगे, फिर जो बैंक्स वगैरह तो उनसे बात बात करेंगे उनके सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग, तो वैसे यहाँ पे उससे रिगार्डिंग ये कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम प्रमोटर की लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट नजर आती है, तो इस पर बात करके मेरे ख्याल से मतलब नहीं है। अगर हम 2021 में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 24 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, और इसके अगेंस्ट अराउंड 2 करोड़ 19 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 18 करोड़ के लगभग ये रेवेन्यू का नंबर हमें होता हुआ नजर आया था, यानी कि लगभग 6 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कम हुआ है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 2021 में जो कोविड वाला ईयर था वहाँ पे ऑलमोस्ट जो बैंक थे वो 6 महीने बंद हो गए थे, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो यहाँ पे जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह की जो डिमांड थी वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर कंपनी का ज़्यादा है। अगर हम 2023 में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 22 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू का नंबर किया है, और उसके अगेंस्ट कंपनी ने 4 करोड़ 2 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का नंबर कंपनी का अच्छा है, अराउंड 18-19% के लगभग का मार्जिन का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 18 से 22 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हुआ है, यानी कि हार्डली यहाँ पे 4 करोड़ से ये नंबर में बढ़ता हुआ नजर आया। इसको अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 20-25% से ये नंबर में ग्रो होता हुआ नजर आया है। बाकी अगर हम देखेंगे तो अभी 6 महीने में कंपनी ने 18 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया है, और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 35-40 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। तो ये एक थोड़ा में ग्रोथ वाइज यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ अच्छी नजर आती है। अगर 22-35 करोड़ के लगभग अगर कंपनी का रेवेन्यू होता है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पे 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो डेफिनेटली मुझे ये नंबर इन्फ्लेटेड नजर आता है, क्योंकि अगर 22 करोड़ पे अगर कंपनी यहाँ पे 4 करोड़ का प्रॉफिट अगर कंपनी ने किया है, तो एकदम से 18 करोड़ पे कंपनी 7 करोड़ का प्रॉफिट नहीं कर सकती है, मुझे डेफिनेटली लगता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर्स को इन्फ्लेट किया गया है। लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक है, यानी कि खास करके जो रिटेल पब्लिक है और जो HNI पब्लिक है, वो डेफिनेटली ये नहीं
नहीं दिखेगी, उनको ये लगेगा यहाँ पे 60 करोड़ के लगभग अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो पूरे साल के लगभग 14 से 15 करोड़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमें उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि जो मार्केट सोच रहा है, क्योंकि जो एडेंट जो डिमांड होगी वो मार्केट जो सोच रहा है उसके हिसाब से हमें होती हुई नजर आएगी, तो उसके हिसाब से आपसे नीचे देखना चाहिए। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 28 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। ये सेम डेट की अगर हम बात करेंगे तो 4 ऐसे में आईपीओ में 26 तारीख को ओपन होते हुए नजर आएंगे और उसके अलावा एक मेन बोर्ड आईपीओ जो हमें 26 तारीख को स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड की अगर हम बात करेंगे तो 101 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 121,200 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 63 करोड़ 45 लाख के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग अराउंड 21-22 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 2 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 2 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 3 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 240 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अभी जो 6 महीने की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है तो उसके हिसाब से अगर हम ये मान के चलें कि अगर 15 करोड़ के लगभग अगर ये कंपनी हमें इस साल कमाती हुई नजर आएगी तो उसके हिसाब से अराउंड 15-16 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे जो 6 महीने का नंबर है, लेकिन जो मैंने आपको बोला है कि वो नंबर जो कंपनी यहाँ पे दिखा रही है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े इन्फ्लेटेड नंबर हमें यहाँ पे नजर आते हैं, तो वो उसके हिसाब से मैं थोड़े यहाँ पे कॉशियस चाहूंगा। लेकिन अगर हम अभी कंपनी के अगर लीड मैनेजर की अगर हम बात करेंगे तो कॉर्पोरेट कैपिटल वेंचर्स करके हमें यहाँ पे लीड मैनेजर नजर आता है। पिछले 5 आईपीओ की अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5 आईपीओ में 100% से ऊपर के प्रीमियम पे हमें लिस्ट होते हुए नजर आए थे। डेफिनेटली जब आपका जो पास रिकॉर्ड होता है लीड मैनेजर का, वो मार्केट काफी ज्यादा काफी क्लोजली वॉच करता है, तो अगर आपका पास रिकॉर्ड अगर इतना अच्छा है तो वहाँ पर डेफिनेटली हमें डिमांड अच्छी देखने को मिल सकती है उसकी वजह से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे और अभी अगर हम ग्रे मार्केट की भी अगर हम बात करेंगे, लगभग 30-40 रुपये के लगभग का ग्रे मार्केट हमें भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 35-40 हज़ार रुपये आपको यहाँ पे पर लॉट का प्रॉफिट यहाँ पे लिस्टिंग पे हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो अभी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत सारे जो रिटेल बहुत सारे अगर हम ब्रोकर्स की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे ब्रोकर्स यहाँ पे अराउंड 30-40 हज़ार रुपये पर एप्लीकेशन में यहाँ पे बाइंग भी कर रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली डिमांड तो अच्छी है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग ये कंपनी में लगा, क्योंकि जिस तरीके से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है तो मुझे कहीं नहीं कि वो ग्रोथ यहाँ पे मिसिंग नजर आई। और अभी जो मेन अभी जो 23-24 के जो कंपनी ने नंबर दिखाए तो उस पर भरोसा करना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। मुझे कहीं नहीं कि नंबर्स पे भरोसा नहीं आ रहा है। एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि लगभग 50% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन तो एकदम से जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर कंपनी ने यहाँ पे इन्फ्लेट किया तो मुझे लगता है कि कहीं नहीं कि वहाँ पे कंपनी ने अपने सेल्स के नंबर को भी बढ़ाया हो। इसीलिए मेरे ख्याल से तो लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड काफी अच्छी रहेगी, अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे काफी कम रहने वाले और हो सकता है कि यहाँ पे लिस्टिंग पे भी डिमांड काफी अच्छी रहेगी। हाँ, भले थोड़ा ग्रे मार्केट के नीचे भले हमें थोड़ा लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक बार के लिए आईपीओ ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम पे हमें खुलता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से अगर आप इसको लिस्टिंग पे अगर बाय करने जाते हो बाई चांस 50-60% के प्रीमियम पे, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे ज्यादा फंस सकते हो। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि ट्रस्ट फिनटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।